नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं धीरेन्द्र। और आपने सुना होगा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। लेकिन हम एक ऐसे विद्यार्थी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो पढ़ाई पूरी करने के बाद एक चाय की दुकान खोले हैं, और चाय की दुकान की नाम है बेरोजगार चाय बार। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से बेरोजगार चाय बार साफ तौर पे लिखा हुआ है। और आइए हम उनसे बात करते हैं, आखिर पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने क्यों चाय की दुकान खोली है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? एडवोकेट एसपी पटियाला। आपने पढ़ाई कितनी तक की है? कब? मैं ट्रिपल एम में एलएलबी हूं, अभी पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस हूं, और अभी और पढ़ाई जारी है। चौथा सब्जेक्ट से मैं फिलोसफी से एमए करने जा रहा हूं। अच्छा, ये बताइए कि पहले लोग पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, आईएएस बनते थे, आईपीएस बनते थे, या और भी जहां पे जॉब हो जाए वो जॉब करते थे, लेकिन आपने चाय की दुकान को क्यों चूज किया है? आपने एलएलबी भी कर लिया है, आप प्रैक्टिस भी कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन आप चाय की दुकान खोली है, क्या इसका मतलब? जी मैं पार्ट टाइम जॉब, लोग आप आज तक आपने सुना होगा, ये पार्ट टाइम बिजनेस है और प्रोफेशनल बिजनेस है। मैं यहाँ सरकारी नौकरी भी 8 घंटा होती है, अरे प्राइवेट बेरोजगार नौकरी भी 8 घंटा है। मैं यहाँ 6 से 9 बजे तक हैं और शाम को 3 बजे से 8 बजे तक हैं, यानी 8 घंटा। और बाकी दिन हमें आप कोर्ट में ही देखेंगे, बाकी टाइम हमें कोर्ट में ही देखें, तो हम प्रैक्टिस छोड़े हैं कहाँ। लेकिन प्रैक्टिस आप नए नए वकील जो होता है उसकी क्या स्थिति होती है आप देख ही सकते हैं, 2 साल में लॉकडाउन में क्या तोड़ के रख दिया। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लोगों ने मुझे कहा कि भीख मांगो यार, लोगों ने से कहा कि कुछ मदद करो, तो लोगों ने कहा कि भीख मांगो ना, कितना लोग तोरा मदद करेगा, पढ़ लिख लांगड़ा अंदर क्या करेगा। तो कुछ मुझे करने के लिए उत्साहित किया और आज आप देख रहे हैं रिजल्ट। आपने कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, इसके बावजूद भी चाय का दुकान के नाम लिखे बेरोजगार चाय बार। आप अपने नाम से भी चाय के दुकान को रख सकते थे, या पटियाला चाय दुकान या चाय बार, ऐसा क्यों बेरोजगार चाय बार क्यों ही नाम रखे? क्योंकि ये बेरोजगार शब्द एक गाली है, और गाली हिंदुस्तान के 60 से 70 करोड़ युवा को पड़ रहा है। मैं इस गाली को बदलने चला हूँ। 60 से 70 करोड़ हिंदुस्तान के युवा की सवाल को लेकर मैं अपनी सवाल को हल करने चला हूँ। जिस दिन मेरी सवाल हल हो जाएगी तो समझिए कि 60 से 70 करोड़ युवा की सवाल भी हल हो जाएगी, और इस देश से बेरोजगार से बेहट जाएगा। बेरोजगार शब्द है ना, उससे बेहट जाएगा। बस आप लोग दुआ दीजिए और इसी तरह मुझे मदद करना है, जिस रूप में मदद करना है कीजिए बस। और पटियाला जी, आपको व्यक्तिगत रूप से फैमिली में और क्या क्या है, और कौन कौन लोग हैं? आप अकेले हैं या फिर और भी लोग हैं? जी नहीं, मेरे 4 भाई हैं, मम्मी पापा दोनों हैं, मेरे पत्नी है, एक बेटी है। अब अकेले थे तो कहूँ पर ज़िंदगी काट लेते थे, अब हम दो और हमारे 2 भी हो गए हैं, एक बेटी एक पत्नी हो गई, 2 माए बाप, यानी 5 लोग हो गए। अब 5 लोग के घर चलाना संभव नहीं लग रहा था, तो मैंने चाय के दुकान को ऑप्शन चुना। और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि मैं सेवा करते भर में अगर 50 रुपया भी ले जाता हूँ तो 10-10 रुपया भी मैं खा लूँगा। इतना चाय की रेट क्या है? चाय की रेट मुझे 10 रुपया है, लेकिन 1 से 10 के बीच में जितना देना है दे दीजिए, नहीं पैसा है पी के चले जाइए, लेकिन अगली बार ज़रूर आइए। 1 बार आइए, 2 बार आइए, 3 बार आइए, मैं किसी भी कभी भी नहीं पैसे की डिमांड करता हूँ। लोग आते हैं तो कहते हैं कितना के हैं, हमको पहले पीजिए तो उसके बाद पैसा को फरमाइश, मेरे पास पैसा माने नहीं रखता है, आप पहले यहाँ से दिल खुश करके तो जाइए। अच्छा, ये बताइए पटियाला जी कि चाय की जो दुकान आपने खोली है पटना विश्वविद्यालय के गेट के सामने खोली है, और कहीं क्यों नहीं, क्या यहाँ खोलने का क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? भाई मैं यहाँ से ज्ञान हासिल किया तो मैं बांटने कहाँ जाऊँगा, और मैं जहाँ पर बैठा हूँ इतिहास की चौखट है, सत्ता को हमेशा चुनौती मिली है, अरे पूरब का ऑक्सफोर्ड है और हिंदुस्तान का परिवर्तन संस्थान, मैं यहाँ पर बेच रहा हूँ तो कुछ तो मैसेज आएगी, और मैं मैसेज के साथ साथ अपनी बेरोजगारी को दूर करने चला हूँ। तो आपने सुना पटियाला जी ने बेबाकी तरीके से अपनी बातों को रखी, अपने परिवार को चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, और साथ ही साथ पटना विश्वविद्यालय गेट पे जो इनकी दुकान है उसको ये मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ से लोगों को ज्ञान बांटना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को ये चाय अपने हाथों से पिलाना चाहते हैं। हालांकि आप बने रहे डीटीवी भारत के साथ, धीरेन्द्र कुमार पटना।